हेलो एवरीवन दिस इज जीरो केमिस्ट्री आई होप आप लोग बढ़िया होंगे तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड स्केलर एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ पर सिलेबस कवर कर रहे हैं और लास्ट में दो लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें आपका रदर मॉडल तक हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने रदर का मॉडल यहाँ पर डिस्कस किया जाता आखिरी में आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बोहर मॉडल परमाणु संख्या जिसको हम कहेंगे एटोमिक नंबर एंड परमाणु का द्रव्यमान नहीं होगा यहाँ पर होगा द्रव्यमान संख्या यहाँ पर क्या होगा द्रव्यमान संख्या होगा ठीक है जिसको कि हम इंग्लिश में मास नंबर कहने वाले हैं ठीक है न्यूट्रॉन की खोज आपको पता है किसने की है आप ख़ुद बताएंगे आइसोटोप और आइसोबार जिसको कि समस्थानिक और सम्भारिक कहा जाता है ये चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं देखो इन्होंने सिलेबस जो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके गूगल में डाला होगा और वो यहाँ पर कर दिया है इसी वजह से आपको इस तरीके का सिलेबस देखने को मिल रहा है चलिए यहाँ पर मैं सिलेबस को एडिट करते हुए भी आपको चीज़ें बताता रहूँगा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बुहर का क्या मॉडल है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो बोहर का मॉडल यहाँ पर क्या है ये हम देख लेते हैं तो बोहर ने क्या बात करी थी यार सबसे पहली बात करी उन्होंने उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस होता है आपको पता ही है यहाँ पर एटम के पास न्यूक्लियस होता है नाभिक होता है तो नाभिक के चारों ओर जिनमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगाता है कुछ कक्षाएँ होती हैं जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं वृत्ताकार कक्षाएँ होती हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं ठीक है तो ये कुछ ही ऑर्बिट्स यहाँ पर अलाउड होती हैं कुछ ही ऑर्बिट्स क्या हैं अलाउड हैं कुछ ही कक्षाएं मान्य होती हैं यह बात आपको ध्यान में रखनी है पहला पॉइंट यही है इसका दूसरी बात यहां पर ध्यान रखने वाली जो है सेकेंड आपके पास जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते हैं तो वो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं वैन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज ऑर्बिट्स दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी वो यहां पर एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं ये सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ठीक है दो पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके पास पहला पॉइंट आपके पास हो गया कि परमाणु में केवल कुछ कक्षाएं ही मान्य होती हैं और यहां पर सेकेंड पॉइंट हो गया जब इन कक्षाओं में वो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एनर्जी रेडिएट नहीं करने वाले ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करने वाले इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है यहाँ पर इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल कहा जाता है ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ये एनर्जी लेवल कौन कौन सी हो सकती हैं तो अगर आपको पता हो यहाँ पर यह न्यूक्लियस है ये पहला जो कक्षा है पहली कक्षा है इसके लिए एन की वैल्यू होती है वन एन की वैल्यू क्या होती है वन होती है और इसको के कक्षा कहा जाता है के सेल कहा जाता है एन की वैल्यू जब दो रहेगी दूसरी कक्षा होगी हमारे पास और उसको एल कक्षा कहा जाता है एल एल सेल कहा जाता है जब यहाँ पर एन की वैल्यू तीन होगी तो उसको एम सेल हम कहने वाले हैं और जब एन की वैल्यू चार होगी चौथी कक्षा होगी तो उसको एन सेल यहाँ पर हम कहने वाले हैं सिंपल सी बात है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना हमको नहीं है हमें फ़ैक्ट्स ध्यान रखने हैं किस तरीके से हम आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स याद कर पाते हैं उसी हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की ओर बढ़ते रहेंगे ठीक है ना जितने ज़्यादा फैक्ट्स आप ध्यान रख पाएंगे याद कर पाएंगे उतना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बढ़िया होगा चलिए यहाँ पर यही हमारे पास क्या है बोहर मॉडल है तीन ही एक दो ही पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं नाइन्थ का सिलेबस है हमारे पास और यहाँ पर इससे एडवांस भी चीज़ें होती हैं पर वो इलेवंथ में आती हैं हम उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं जितना आपका सिलेबस रहेगा जितना आपका पेपर का लेवल रहेगा उस हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ताकि आपके पास कुछ भी सिलेबस आपको बिना छुए ना रहे ठीक है ना पूरा सिलेबस टच करेंगे हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमको जो, जो आज डिस्कस करना है वो है परमाणु संख्या जिसको परमाणु क्रमांक भी कहते हैं इंग्लिश में इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको स्मॉल जड़ से यहाँ पर डिनोट किया जाता है किससे डिनोट किया जाता है स्मॉल जड़ से यहाँ पर डिनोट किया जाता है कैसे इसको डिफाइन किया जाता है परमाणु क्रमांक होता क्या है तो आपको पता है परमाणु में नाभिक पाया जाता है न्यूक्लियस पाया जाता है एटम में और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स रहते हैं जिसमें से एक पार्टिकल प्रोटोन होता है और एक पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है तो आपको पता है जो प्रोटोन होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है ठीक है यह बात भी आपको ध्यान रखनी है तो जो प्रोटोनों की संख्या है अगर आपको पूछ लिया जाए कि यहां पर किसी नाभिक में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं तो वो यानी कि आपसे पूछ रहा है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है क्या आप ये बात समझ पा रहे हो तो आप किसी भी तत्व के लिए किसी भी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर कैसे बताएंगे तो आपको उसके न्यूक्लियस में झांक के देखना है उसके न्यूक्लियस में झांक के देखना है कि भाई साहब इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं इसके न्यूक्लियस में कितने मौजूद कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं अगर आपको पता चल जाए यही बात तो आप बता पाएंगे उसको कि इसका एटोमिक नंबर कितना है जितने प्रोटोन रहेंगे भाई उतने ही उसका यहाँ पर एटोमिक नंबर रहने वाला है परमाणु क्रमांक रहने वाला है या फिर दूसरी चीज़ क्या देख सकते हो न्यूट्रल एटम ये जो हमारे पास उदासीन परमाणु होगा उदासीन परमाणु में यानि कि ना ही उस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ होना चाहिए ना ही उस, उस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दान किया हुआ होना चाहिए ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना ही उस पर निगेटिव चार्ज होना चाहिए जब तक परमाणु न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहते हैं तो या तो आप प्रोटॉनों की संख्या देख के बता सकते हो या फिर आप किसी उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख के बता सकते हो कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है उसका परमाणु क्रमांक कितना है जितने प्रोटॉन मौजूद उतना उसका परमाणु क्रमांक उतना उसका एटॉमिक नंबर ये बात आपको ध्यान में रखनी है चलिए कुछ एट एटप्स देखते हैं कुछ एलिमेंट्स देखते हैं और उनके परमाणु क्रमांक देखते हैं नंबर ट्वेंटी तक आपको ध्यान रखने हैं विद सीरियल नंबर सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजन फिर आपके पास हीलियम फिर लिथियम फिर बेरीयम फिर बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, नियोन, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर क्लोरीन, आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम ये आपको सीरियल वाइज ध्यान रखने हैं कौन कौन से किसका परमाणु क्रमांक कितना है और क्या सिंबल उस यहाँ पर उस परमाणु का है उस तत्व का है ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ठीक है भाई ये बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं अब पूरा आपका रोल है कि आप इनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं मैं सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे होगा ये आप पे डिपेंड करता है आप यहाँ पर अगर खुद से तैयारी नहीं कर रहे हैं आप खुद से यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं मैं यहाँ पर कितनी भी मेहनत कर लूँ आपका एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होने वाला है तो सारी मेहनत आप पे डिपेंड करती है आप कितने अच्छे से कितना मन लगा कर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संख्या मास नंबर जिसको कहते हैं यहां पर इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है तो आपको क्या करना है अब आपको एक बात पता है नाभिक जो होता है न्यूक्लियस होता है किसी भी परमाणु का किसी भी एटम का उसके न्यूक्लियस में आपको ये पता है कि प्रोटॉन मौजूद होते हैं आपको पता है उसमें न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं आपको सिर्फ इतना करना है उसके न्यूक्लियस में झांक के देखना है कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, दोनों को ऐड कर देना है जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे सबको ऐड करके आप बता दोगे भाई साहब लो इतने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, और यही इसका क्या है मास नंबर है यही इसकी द्रव्यमान संख्या है क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो प्रोटोन और न्यूट्रॉनों को नंबर जो है हम उसको ऐड कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा हमें मास नंबर मिल जाएगा यही बात यहाँ पर लिखी हुई है तो मास नंबर कैपिटल ए जो होता है वो प्रोटोनों की संख्या धन न्यूट्रोनों की संख्या है प्रोटोनों की संख्या को पी से डिनोट किया जा रहा है न्यूट्रोनों की संख्या एन से डिनोट की जा रही है आपको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जितना नंबर होता है प्रोटॉन्स का उसी को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है जो कैपिटल ए है आपके पास मास नंबर है वो क्या होने वाला है यहाँ पर परमाणु क्रमांक धन न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अब यहाँ पर मैं अगर आपसे बात कहूँ किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है किसी एलिमेंट को किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है वो बात मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मैं किसी किस कार्बन को डिनोट कर रहा हूं भाई मैं किसको डिनोट कर रहा हूं कार्बन को डिनोट कर रहा हूं और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है और कार्बन का एक आइसोटोप अभी देखेंगे आइसोटोप क्या होता है कार्बन बारह होता है क्या होता है कार्बन बारह होता है तो यहाँ पर ये जो छः मैंने डिनोट किया ये उसका परमाणु क्रमांक है ये क्या दिखा रहा है उसका परमाणु क्रमांक दिखा रहा है उसका एटॉमिक नंबर दिखा रहा है और जो यहाँ पर बारह आपको देखने को मिल रहा है ये उसकी द्रव्यमान संख्या प्रदर्शित कर रहा है द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या है मास नंबर यानी कि ये उसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और, प्रोट। और, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम डिनोट कर रहा है क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं चलिए यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कीजिए कितने न्यूट्रॉन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे भाई ये तो आपके पास क्या हो गया कैपिटल ए हो गया ये आपके पास जेड हो गया तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं आप ए की वैल्यू रखेंगे ट्वेल्व जेड की वैल्यू रखेंगे सिक्स और ये आपके पास एन है तो एन कैसे निकल जाएगा भाई ट्वेल्व माइनस सिक्स यानी कि सिक्स ही इसके पास क्या हैं न्यूट्रॉन्स हैं इस तरीके से आप न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं भले ही आपको यहाँ पर परमाणु क्रमांक दे दें न्यूट्रॉन दे दें दे, तो दोनों को ऐड करके भी आप ए निकाल सकते हैं आपको अगर यहाँ पर ए दे दिया जाए और न्यूट्रॉनों की संख्या दे दिया जाए तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं कोई भी दो वैल्यूज आपको दे दी जाए तीसरी वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आप उस तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं समस्थानिक जिसको कह रहे हैं हम आइसोटोप इंग्लिश में इसको कहा जाता है तो इसमें आपको क्या देखना है हमने दो चीज़ें देखी एक तो जड़ देखा जिसको हम परमाणु क्रमांक कह रहे हैं एटॉमिक नंबर कह रहे हैं सेकेंड थिंग हमने यहाँ पर देखा कैपिटल ए जिसको हम मास नंबर कह रहे थे तो अगर हम दो एटम्स देखते हैं दो एटम्स देखते हैं जिनका क्या है यहाँ पर जड़ सेम है जड़ समान है जड़ का मतलब परमाणु क्रमांक समान है और इनका यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है यहाँ पर डिफरेंट है अलग है भिन्न है तो हम बोलेंगे कि ये परमाणु क्या हैं ये परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक हैं ये परमाणु क्या है एक दूसरे के समस्थानिक हैं क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं जड़ सेम होना चाहिए और ए डिफरेंट होना चाहिए मुझे ये लगता है कि आपको पता होगा जड़ क्या होता है और ए क्या होता है मैं यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ चलिए तो इस तरीके के जो हमारे पास क्या होंगे एटम्स होंगे परमाणु होंगे उनको क्या कहा जाएगा ये समस्थानिक हैं एसोटोप हैं एक दूसरे के फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कहने वाला हूं हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या कहने वाला हूं हाइड्रोजन के समस्थानिक कहने वाला हूं यहां पर देखेंगे वन एच वन है मेरे पास वन एच टू है और वन एच थ्री है क्या आपको यहां पर इनके परमाणु क्रमांक सेम देखने को मिल रहे हैं देखो वन वन परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं जो यहाँ पर मास नंबर हैं वो डिफरेंट हैं मास नंबर वन टू थ्री तो हमने बोला था परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होगी तो वो क्या होंगे एक दूसरे के समस्थानिक होंगे और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है 1H2 को ड्यूटीरियम कहा जाता है 1H3 को यहाँ पर ट्राइटियम कहा जाता है ऐसे ही यहां पर तीन समस्थानिक कार्बन के लिखे हुए हैं ट्वेल्व सी ट्वेल्व ट्वेल्व सी थर्टीन ट्वेल्व सी फोर्टीन टवेल्व ट्वेल्व क्या है इनके यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक हैं एटॉमिक नंबर्स हैं और ये मास नंबर ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन इसके मास नंबर हैं जो कि डिफरेंट हैं इसलिए ये समस्थानिक हैं ऐसे ही क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं सेवनटीन सी एल थर्टी फाइव एंड सेवनटीन सी एल थर्टी सेवन सेवनटीन सेवनटीन एटोमिक नंबर हैं सेम हैं और मास नंबर हो गए थर्टी फाइव एंड थर्टी सेवन परमाणु यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो समान हो गए द्रव्यमान संख्याएँ भिन्न हो गई हैं तो ये क्लोरीन के समस्थानिक होते हैं क्लोरीन के दो समस्थानिक यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एनवायरमेंट में जो हमारा क्या है एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट जो भी है उसमें यहाँ पर इनका एवेंडेंस कितनी प्रचुरता होती है तो ये थ्री रेशियो वन में मिलते हैं हमें अगर दुनिया में जितने क्लोरीन मौजूद है उसमें से यहाँ पर थ्री रेशियो का किस किस में रहेगा थर्टीन सी एल ओ सेवनटीन सी एल थर्टी फाइव रहेगा और उसमें से यहाँ पर एक पार्ट कि, किसका रहेगा सेवनटीन सी एल थर्टी सेवन का रहेगा क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं ठीक है तो ये उनकी नेचुरल अबंडेंस प्राकृतिक प्रचुरता जिसको कहा जाता है थ्री रेशियो वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अनुप्रयोग देखते हैं एप्लीकेशन की इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं ठीक है जो समस्थानिक हैं आइसोटोप हैं इनका एप्लीकेशन क्या देखने को मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर में बनने के चांसेस बहुत हाई हैं यहाँ पर से तो ध्यान रखेंगे इस बात को तो इसमें अनुप्रयोग एप्लीकेशन पार्ट में आपको ध्यान रखना है यूरेनियम का समस्थानिक होता है एक जिसको कि प्रयोग किया जाता है नाभिकीय संयंत्रों में एज अ ईंधन ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है ना यूरेनियम आइसोटोप इज़ यूज एज़ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स ठीक है ईंधन के रूप में वहाँ से एनर्जी बनाई जाती है आपको पता ही है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है सेकेंड आपको ध्यान रखना है कोबाल्ट एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर इसका लगभग शायद ट्वेंटी सेवन होता है ठीक है ट्वेंटी सेवन एटोमिक नंबर है और इसका जो एक आइसोटोप होता है उसका प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है कहाँ पर किया जाता है कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है तो आइसोटोप जो है हमारे पास कोबाल्ट का उसका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है ये बात आपको ध्यान में रखनी भाई इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स ठीक है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं आयोडीन का एक समस्थानिक है जिसका प्रयोग घेंगा रोग के इलाज में किया जाता है ठीक है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर एप्लीकेशन पार्ट को तो तुम स्टार लगा ही दो यार यहाँ पर से बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाने के वैसे तो आइसोटोप से भी पूछे ही जाना है बट यहाँ पर भी आपके पास काफ़ी चांसेस रहने वाले हैं क्वेश्चन पूछे जाने के देखो ये आइसोटोप वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है अब हमें यहाँ पर देखना है आइसोबार जिसको हम सम्भारिक कहने वाले हैं तो सम्भारिक क्या होते हैं देखो सम्भारिक वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न होते हैं देखो भाई साहब जड़ और ए ही देखना है आपको जैसा आपने जड़ देखा था किसमें परमाणु यहाँ पर किसमें समस्थानिक में, में आइसोटोप में तो वहाँ पर तो जड़ सेम थे और ए डिफरेंट था यहाँ पर जड़ डिफरेंट हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा जड़ डिफरेंट हो जाएगा ए यहाँ पर सेम रहने वाले हैं अब मैं ये नहीं बताने वाला कि जड़ और ए क्या है या भी आप समझ के आ चुके हैं ठीक है तो परमाणु कर्मांक तो भिन्न होने वाले हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान्य बोले द्रव्यमान संख्या एक को क्या बोला जाता है द्रव्यमान संख्या मास नंबर ये सेम रहने वाला है ऐसे परमाणु जिनके लिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो भिन्न रहेंगे लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होने वाली है उन परमाणुओं को हम कहेंगे क्या सम्भारिक आइसोबार्स क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ आपको पता है आर्गन का एटोमिक नंबर एटीन होता है कैल्शियम का एटोमिक नंबर ट्वेंटी होता है यहाँ पर दोनों के दोनों डिफरेंट हैं एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट बट मास नंबर्स आर सेम यहाँ पर आपको जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो सेम देखने को मिल रही है समान देखने को मिल रही हैं इसलिए ये दोनों के दोनों क्या हैं संभारिक हैं क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आज के टॉपिक्स हमें इतना ही रखते हैं यहाँ पर काफ़ी टॉपिक्स हमने आज डिस्कस कर लिए हैं काफ़ी कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मैं बहुत कम समय में आपका लगभग सारा सिलेबस कम कवर कराने की कोशिश करूँगा आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा बस आपको एक काम करना है आपको मेहनत करनी है आपको खुद से यहाँ पर साथ में तैयारी करनी है जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको बार बार रिवाइज करना है और यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा ठीक है ना तो चलिए मिलते हैं और यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ पर बायो फिज़िक्स और मैथ के लेक्चर्स भी साथ साथ में चाहिए या फिर एक तरफ से हम यहाँ पर सिलेबस को कवर करें आप बताइएगा आपको किस तरीके की चीज़ें चाहिए एम हम इसके बाद डिस्कस करेंगे जब हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर एम सी क्यू को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ठीक है ना चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए जय हिंद गुड नाइट